नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल का सातवां मुकाबला बेहद रोमांचक, बेहद ही शानदार मुकाबला रहा। और इस मुकाबले में एक तरफ जहां दो शानदार कप्तानों की जंग थी, तो दो शानदार बल्लेबाजों के साथ साथ शानदार विकेट कीपर्स की भी जंग थी। और ये विकेट कीपर्स की जंग सभी ने देखी कि किस तरह से दोनों विकेट कीपर कप्तानों ने, क्योंकि दोनों ही कप्तान हैं और दोनों ही विकेट कीपर हैं और दोनों ही नौजवान खिलाड़ी हैं, और इन दोनों ने जिस तरह से शानदार कैच लपके, उनकी अब चारों तरफ चर्चा हो रही है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा संजू सैमसन का कैच। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से संजू सैमसन ने जयदेव उनादकट की गेंद पर शिखर धवन का लेग साइड की तरफ एकदम छलांग लगाते हुए कैच लपका। ऐसा लग रहा था कि जैसे संजू सैमसन नहीं, स्पाइडर मैन आ गए हो मैदान पर। और उसके बाद में अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, वो तस्वीरें हैं ऋषभ पंत की, और ये कैच है जोस बटलर का, मतलब राजस्थान की रीढ़ माने जाने वाले, सबसे मजबूत खिलाड़ी माने जाने वाले जोस बटलर का। और ये गेंद थी क्रिस वोक्स की। क्रिस वोक्स की गेंद को जोस बटलर ने खेला और इनसाइड एज लेते हुए जोस बटलर के विकेट के पीछे चली गई गेंद, और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने एकदम बिल्कुल उसी अंदाज में, संजू सैमसन के अंदाज में इस कैच को लपका। और अब इन दोनों कैचों की तुलना हो रही है कि भैया किस कप्तान ने बेहतर कैच लपका। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों खिलाड़ियों का कैच आप देख रहे हैं, अब हम आपको, आप हमें बताइए कि आखिर आपको किस विकेट कीपर, किस कप्तान का कैच बेहतर लग रहा है, क्योंकि लोग अब सोशल मीडिया पर इन दोनों कप्तानों के इस कैच की तुलना कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि किस खिलाड़ी का शानदार कैच है। वैसे ये एक शायद पहला मौका होगा, या फिर कह सकते हैं कि दोनों कप्तानों ने शानदार कैच लपके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग की काफी आलोचनाएं लगातार होती रहती हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने अपनी विकेट कीपिंग पर जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से शानदार अब विकेट कीपिंग कर रहे हैं, कैच अब छोड़ नहीं रहे हैं, विकेट के पीछे अच्छे हाथ दिखा रहे हैं, वो अब काबिले तारीफ है। और ऋषभ पंत के इस बदलाव के, बल्लेबाजी में भी ऋषभ पंत अब गलतियां नहीं करते हैं, और आज बल्लेबाजी में भी ऋषभ पंत ने शानदार पारी खेली, अर्धशतकीय पारी खेली। दिल्ली अगर इतने स्कोर तक पहुंचा है तो उसके पीछे ऋषभ पंत की एक अच्छी पारी भी थी। ऋषभ पंत ने कप्तानी में एक अच्छी पारी खेली और जब विकेट के पीछे नंबर आया तो एक शानदार कैच लपका। वैसे अगर हम आपसे पूछें इन दोनों कैचों में आपका सबसे फेवरेट कैच कौन सा है, कौन सा विकेट कीपर कप्तान आपको बेहतर लगा, तो आप हमें बताइए कि आपका पसंदीदा कप्तान विकेट कीपर कौन सा है। आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस रिपोर्ट को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।